तो दोस्तों हरिद्वार में आसे पासे जितनी भी धर्मशाला से छाण गेरी कट्ठे भी एक भी कमरों को मिलो कमरों नहीं मिलने की वजह से लुगाइन तो एक बार कुमार धर्मशाला के बरामदे में उतारी है बे बड़े बैठी एक बार आराम करे भैसे कमरों देख के वहाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो सरदार शहर हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा। बिना कपड़ा गंदे बनिए तो दोस्तों बड़ी मशक्कत के बाद में एक होटल कम धर्मशाला मिली है और भी धर्मशाला को किराए हुए एक दिन को जा रही भी तो कोई बात को नहीं अब कमरों तो लेना ही पड़सी। तो दोस्तों जब भी आप ऋषिकेश या हरिद्वार आओ तो कम से कम आनो पहले थारे परिचित ने फोन करके और बट कोई कमरे की व्यवस्था करके बाद में ही आया नहीं तो भाई लोगों या तो बरामदे में सोना पड़े लो या फिर कोई महंगा होटल लेना पड़े लो। तो दोस्तों वो है भी धर्मशाला को रूम रूम के मतलब है रूम के अंदर रूम है कमरे के अंदर कमरों और दोनों कमरा बड़ा बड़ा है और दोनों कमरा के मायने लेट बाथ अटैच है और कमरा कम से कम 15x20 का है और दोनों में बेड लाग रहा है और तकिया है चदरा है और दोनों में कूलर है पंखा है मतलब पूरी व्यवस्था है कमरे के अंदर। अब अठू सब दृश्या हर की पौड़ी गंगा स्नान करने और भी के लिए सब तैयार करने लाग रहे हैं कोई गमसा बनियान सब लेने लाग रहे हैं लेके और हर की पौड़ी दृश्या गंगा स्नान करने। तो दोस्तों सब कपड़ा वपड़ा लेके रेडी हो गया और अब जा रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा स्नान करने। तो दोस्तों अगर आप मौसम की बात करें तो मौसम एकदम साफ है पिछले 2-3 दिनों कोई बरसात को नहीं हुई बढ़िया धूप निकल रही है और गर्मी आपकी चरम सीमा पर है जी हाँ राजस्थान में पड़े भीषण गर्मी पड़ रही है। हेलो दोस्तों आप पहुँच गए हर की पौड़ी अटो सब जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए राजकुमार जी है भाभी जी है और ए मंगल जी प्रजापत है आपकी पोती सागे और सागे आगे मिसेज है और ए सत्तू जी है प्रजापत है पीछे आगे मिसेज है आगे साड़ी जी है एक है हमारा सगी जी है। तो दोस्तों हाँ है हर की पौड़ी और अठ शायद से आपका पाप धोना है और इतनी भीड़ बाप रे बाप भयंकर भीड़ है जी हाँ कोई कीड़ी नगरों किले बिलवा है अठ मिनक के लिए भी लाने लाग रहा भयंकर भीड़ है। दोस्तों कुछ तो और जून को महीनों है और स्कूल की छुट्टियां हैं बच्चा ने शायद इस वजह से ज़्यादा भीड़ है। हेलो दोस्तों अठे सब गंगा स्नान को आनंद ले रहे हैं सब लोग डुबकियां लगा लगा के नहा रहे हैं जको जितनी ज़्यादा डुबकियां लगा सी भी का पाप बिताए ज़्यादा डुबसी आ शायद अठ की एक मान्यता है कि लोग अठे पाप धोनी आवे। अब सब लोग धो रहे हैं तो आप ही धो लिया अब दुपसी नहीं दुपसी हो तो ऊपर उड़ जाने। हलो साथ 2-3 डुबकियाँ तो लगाई ली मान्यता के अनुसार कुछ तो पाप धुपी सी। दोस्तों हरिद्वार में अगर कुछ देखने लायक है तो वह है शाम की गंगा आरती मतलब इसी आरती विश्व में शायद ही इकट्ठी होती हुई ली तो चलो आस्था ने आरती दिखाऊँ। तो दोस्तों गंगा आरती होने के बाद में रात में मैं सब धर्मशाला जाके आराम करियो अब सुबह जल्दी उठ के रेडी होकर अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश और हरिद्वार और ऋषिकेश की दूरी है लगभग 35 किलोमीटर और पर आदमी किराया है 60 रुपया और अगर थे ऑटो या टैक्सी बुक करके जैसे तो भी क्यों किराया है 600-800 रुपया। तो दोस्तों वो है ऋषिकेश का मैंने जान की झूलो हाल के बरसा में अभी नहीं बने हैं लक्ष्मण झूलो फिलहाल बंद है क्योंकि बट है मरम्मत को थोड़ा काम चल रहा है ज़्यादातर लोग ये जानकी झूले का उपयोग करे ये पारों भी पार जाने के लिए। तो दोस्तों जानकी झूलो पार करने के बाद में आप आ गया ऋषिकेश घाट पर
पीछे अलग अलग घाट बनेड़ा है और सामने जो वानप्रस्थ आश्रम है, गीता भवन है और भी वहाँ के स्वर्ग आश्रम है। आगे संग आगे बड़ा बड़ा घाट बनेड़ा है, बैठे लोग गंगा स्नान करे। ऋषिकेश में भी कमरों मिलना बड़ो दोरो काम है दोस्तों। है तुम्हारा तो कोई परिचित रहे मांगने घंटा दो घंटा आराम कर सियाँ और बिग बाद में वहाँ अठारी ऋषिकेश में स्नान करके फिर चाल सियाँ नीलकंठ महादेव मंदिर। तो दोस्तों वो है गीता भवन के अंदर को दृश्य। थाने में वो पूरा दिखाऊँ गोल घूम के और इतो बड़ो है कि हजारों कमरा है और ईशा 6-7 गीता भवन है। और अब लगभग सुबह के 9 बजे है और आप जा रहे हैं गीता भवन के पीछे ही एक रेस्टोरेंट बने हुए है बट नाश्ता करने। 8 नाश्ता भी थाना एकदम बढ़िया और किफ़ायती रेट में मिल जिस मात्र 25 रुपये के मायने देसी घी की पूड़ी और एक बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी थाना मिल जिस। अभी के लिए थाना अठे लाइन में ला के टोकन लेना पड़ सी और टोकन लेने के बाद में थाना सब्जी पूड़ी मिल सी। बात चाहे तो थे 8 खास को और चाहो तो थे सारे घर ले जा सको। तो दोस्तों वो है नीलकंठ महादेव जाने के लिए टैक्सी स्टैंड। अठू नीलकंठ महादेव के लिए ई टाइप की गाड़ियाँ जावे है और आना जाने को भाड़ो है 200 रुपया। और दोस्तों ऋषिकेश नीलकंठ महादेव की दूरी है 30 किलोमीटर, कारों जाया पूरा 1 घंटा लगे। तो दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर का जगह रास्ता है वह बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार है और बड़ा ही रोमांचकारी है। एक तरफ ऊंचा ऊंचा पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई है और पास में यह कलकल करती गंगा नदी बह रही है। बड़ो ही सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों मंदिर 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी वाला मैंने उतार दिया और अब मैं बढ़ जा रहा हूँ पैदल। 8 है भी सूर्य भगवान आपका तेवर पूरा दिखा रहा है। और देखो दोस्तों 8 है भी लाइन में लागना पड़ सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।